हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता सिंह हेयर स्टाइल्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब संगीता की तरह अच्छे होंगे। सो, बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप एक ऐसा व्लॉग शेयर करिए जिसमें आप अपने घर का काम कोलैबोरेशन कैसे मैनेज करते हो। सो, ये एक छोटा सा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैं सुबह उठ चुकी हूँ एंड आज है 6 सितंबर, मीन्स कि आज है जन्माष्टमी का पूजा। एंड अभी बजे हैं सुबह के 6। हम लोग 6 बजे तक उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह निकलना होता है अपने बिजनेस के लिए। एंड आप बाहर का व्यू देख सकते हो, अर्ली मॉर्निंग का व्यू कितना प्यारा, कितना खूबसूरत रहता है। सो, सुबह उठते ही हम सबसे पहले जो करते हैं वो पानी और चाय पीते हैं। सो, वो पीना हो गया था बिकॉज़ वो क्लिप लेना मैं भूल गई। एंड उसके बाद सबसे पहले बेड क्लीन करते हैं, घर क्लीन करते हैं, नहा के पूजा करना। ये पूजा सुबह 7 बजे तक हमारे घर में हो जाता है, घर क्लीन करके। बिकॉज़ इतनी मॉर्निंग, इतनी सुबह ना मेरी मेड भी नहीं आई रहती है, तो खुद ही करना होता है। फिर मेरा नहाना हो गया है एंड मैं अभी मंदिर क्लीन कर रही हूँ, अच्छे से क्लीन करके पोछ के सारा साफ सुथरा करके फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। 7 बजे तक सुबह का पूजा हो जाता है। पूजा होने के बाद ही मुझे नाश्ता बनाने चल जाना होता है, बिकॉज मेरे हस्बैंड नाश्ता करके, ब्रेकफास्ट करके वो अपने बिजनेस के लिए निकल जाते हैं। उनके निकलने का जो टाइमिंग है वो 7:30 से 8 बजे के बीच का है। मॉर्निंग में 8 बजे तक मेरे घर का इतना काम हो जाता है, पूजा करना, नाश्ता बनाना, घर क्लीन करना, सारा कुछ हो जाता है। सो, अब मैं मंदिर को अच्छे से क्लीन करूँगी एंड फटाफट से अपना पूजा कंप्लीट करूँगी। 7:30 हो रहा है, मेरा नाश्ता बनाना भी हो गया है एंड मेरे हस्बैंड को मैंने नाश्ता भी दे दिया। मैं फल काट रही हूँ, चाय बिठाया है, उनको चाय देना है एंड फल वो लेके जाते हैं, मैं खुद भी खाती हूँ। दिन में एक बार हम लोग फल ज़रूर खाते हैं। सो, वही मैं काट रही हूँ। टाइम से उनको सारा कुछ देना होता है, उनके निकलने का टाइम भी हो गया था। सो, वो निकल रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। ब्रेकफास्ट का मेरा सारा काम हो चुका था, अभी भी जा चुके थे एंड अब बचा मेरे घर का खुद का काम। तो मैं उसके बाद ही ना 1-1.5 घंटे पर्सनल अपने काम करती हूँ, उसके बाद ना मैं कोलैबोरेशन के लिए रेडी हो जाती हूँ। सुबह के 11 बज रहे हैं अभी एंड आप देख सकते हो टाइमिंग। एंड जब कोलैबोरेशन के लिए रेडी होते हैं ना, आप घर का कंडीशन देखो, कितना कुछ बिछा पड़ा होता है। कहीं चूड़ी, कहीं बैंगल्स, कहीं इयररिंग्स, कहीं ट्राईपॉड एंड कहीं कंघी, कहीं कुछ ना कुछ घर में पूरा बिछा पड़ा रहता है। इतना मिस फैल जाता है जब हम लोग कोलैबोरेशन का शूट करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी मेड भी आ गई है एंड वो अब करेगी घर को क्लीन, झाड़ू पोछा एंड बर्तन करके वो चली जाएगी, तब मैं बनाने जाऊँगी खाना। इस दौरान मैंने एडिटिंग का मुझे काम करना है, सारे मैसेजेस का रिप्लाई देना है एंड घर में जितना मैस फैलाया मैंने उसे भी क्लीन करना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता 5 मिनट बैठने का भी, या किसी से कॉल पे गप्पे मारूं या मैसेज पे बहुत ज़्यादा बात करूं। बहुत कम लोग ये समझते हैं यार, इन्फ्लुएंसर का लाइफ इतना ईजी नहीं होता है। जिनको भी ऐसा लगता है ना कि आपको रोज़ के नए कपड़े मिल रहे हैं, बहुत अच्छा है, नहीं, इतना ईजी नहीं होता है। अब 12:30 हो रहा है एंड मैं चली गई हूँ खाना बनाने। आप देख सकते हो जिस स्पीड में आप देख रहे हो ना, ऐसे ही भागते दौड़ते खाना बनाना पड़ता है, बिकॉज टाइम नहीं मिलता है। बहुत लेट हो गया था मुझे, मैंने बनाई थी पूरी आलू की सब्ज़ी एंड खीर बनाया था भोग के लिए, जो लड्डू गोपाल को मैं चढ़ा दूँगी। आज जन्माष्टमी था। सो, फटाफट से मैंने खाना बनाना कम्प्लीट किया एंड आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या बनाए हैं। आलू की सब्ज़ी है ये, पूरी एंड खीर बनाया था मैंने। सो, ये सब करते करते बज गए 2:00 PM एंड उसके बाद इस बार का जो पूजा का मुहूर्त था ना, वो शाम के बाद स्टार्ट हो रहा था। तो मुझे तैयारी करनी थी जन्माष्टमी के पूजा की भी। सो, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, नहा लिया मैंने एंड फिर मैं चली गई पूजा की तैयारी में। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा भी है, वो उसका एग्ज़ाम चल रहा है। सो, वो ज़्यादा दिख नहीं रहा है आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, बट वो है, कभी कभी आ रहा है बुलाने से, बट वो पढ़ाई कर रहा था। सो, हम लोगों ने पूजा की पूरी तैयारी करी एंड फिर शाम को हमने जन्माष्टमी की पूजा कंप्लीट करी।
कैसे सेलिब्रेट किया मैंने जन्माष्टमी, इसी तरह से हम लोग पूजा करते हैं जन्माष्टमी की घर पे। एंड मैं जो अपने डेली रूटीन के कुछ एक पल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है मैंने इस वीडियो के थ्रू, सारा कुछ रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है, इससे भी ज़्यादा काम होते हैं घर में, जैसे गार्डनिंग, पेड़ पौधों में पानी देना, कपड़े धोना, कपड़े ढालना, उसको उठाना, ये सारा कुछ भी काम होता है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। सो इस तरह से मेरा दिन बीता जन्माष्टमी का, एंड आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के ही बगल में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।